जो नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ मुझे हाजी मार्केट आता है, तो नीचे रहा था ऊपर चले गए, ऊपरी दूसरी मंजिल शूज मैंने नीचे रखे चला गया उधर साइड। जब मैं ऊपर नमाज पढ़ के वापस आया फारग हो गए और लोग भी जा रहे थे, जब नीचे आया मैंने शूज अपने ड्रेस इधर था इधर गिरा हुआ, वो जब मैंने उठाए वहां तक मेरे पैसे इस हाथ में राइट हैंड में मैंने ऐसे रखा क्योंकि रास्ता है नीचे। जब मैं वो पैसे उठाने लगा मतलब मैं वो शूज उठाने लगा पैसे मेरे साथ नहीं थे ऐसे, जब मैं ऐसे हुआ तो इधर से मतलब मेरे पैसे निकाल। कितने पैसे थे लगा होगा? 30,000 एक रसीद थी 30,000। कौन सी मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे थे? ये हाजी मार्केट, ये बस स्टैंड के पास है। तो ट्रस्ट की उनके इमाम साहब से दूसरा तीसरा उनको कहा कि भाई कोई किसी किस्म का आप अनाउंसमेंट करो या इधर हाँ CCTV कैमरा है, फिर वो रिक्वेस्ट की फिर उनको क्या आपने फुटेज निकलवाई है? जी जी हाँ उन्होंने दी है मुझे सेंड किया है। तो पूछ के SSP साहब से आप क्या अपील करेंगे? जी सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर अगर इस किस्म की डाका जानी हो तो फिर नमाज पढ़ने का क्या मकसद है, फिर यहाँ वो फिर रोजे रखने का क्या मतलब है? ये तरीका थोड़ा है, ये बुजुर्ग ही साथ में फंसे और शूज ये फिर देने वाले आप मार्केट में। और बड़े अफसोस से ये हमें कहना पड़ता है जी कि ये किला मार्केट में खास करके ये मस्जिद के अड्डे से लेके तो ये किला इस एरिया में चोर जो है घूमते हैं और लोगों को लूटते हैं। बड़े यहाँ ये किले की पौड़ियों में यहाँ पे तकरीबन 2-3 महीने पहले 50,000 रुपया एक बुजुर्ग का इन्होंने ऐसे ही डिक्का दे के, तो बाद में बटुआ वो गिरा तो इन्होंने पैसा निकाल दिया। आज ये बुजुर्ग देखो और 3-4 दिन पहले जो है एक आदमी का वो मेंटर का था वो भी मस्जिद में आया तो उसको भी वहाँ चोरी हो गई। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि ये माह रमजान का महीना चल रहा है इसमें इबादत कर से मांगने आते हैं, तो ये देखो ये लोग आते हैं तो लोगों के जेब काटने। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश है कि इनको देखा जाए और इस पर जो है कड़ी नजर रखी जाए और इन लोगों को बुझाया जाए। जो कोई मजदूर सामान लेने के लिए आता है, कोई सब्जी लेने के लिए आता है, रमज़ान है घर में जो है राशन पानी की ज़रूरत होती है, तो लोग जो है ये ऐसे लूटते हैं। उधर से एडमिनिस्ट्रेशन और सबका ये जोर रहता है कि कोई सब्जी फ्रोज महंगा माल ना बेच दे रमज़ान में, तो उधर से ये जनाब ये हमारे लिए एक ये हमारे अजाब मसलत हो चुका है जी हम पे। ये हम समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से ये अजाब हम पे आया है कि हमारे ही लोग जो है हमें लूटते हैं। ये पूछ के होंगे बाहर के कहाँ होंगे ये, लेकिन जो भी हैं बहरहाल बाहर के हैं पूछ के हैं देखे कितने, लेकिन जो है कि किस तरह कभी बैंक में लूट लेते हैं ये, कभी मार्केट में लूट लेते हैं, कभी मस्जिद तक नहीं छोड़ते। तो खुदा के लिए इन पे कुछ जो है नज़रसानी की जाए इस मसले में और इन पे कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए और इन पर खबर ली जाए इनकी।